वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित कुमार त्रिवेदी ट्यूटोरियल्स। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल कैप्सूल डोजेस फॉर्म के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम लोग कैप्सूल्स का जनरल इंट्रोडक्शन, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस और कैप्सूल्स के क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये जो टॉपिक है वो आपके बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर का जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी सब्जेक्ट है उसके अंदर आता है। इसके अलावा डिप्लोमा फार्मेसी फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके पास भी कैप्सूल टॉपिक जरूर होता है। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैप्सूल्स के जनरल इंट्रोडक्शन से। तो बेसिकली हमारी जो कैप्सूल्स, जो डोजेस फॉर्म्स हैं, इनको हम लोग सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। अब सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म मीन्स कि ये एक सिंगल यूनिट होती है जिसको कि हम लोग एक ही बारी में पूरी डोज को कंज्यूम कर लेते हैं। ये सिंगल इंडिविजुअल पैकिंग में आती है, ठीक है। अब कैप्सूल्स में बेसिकली जो हमारे मेडिकामेंट्स या जो ड्रग्स होते हैं उनको एक शेल के अंदर पैक किया जाता है, जैसे कि आप इस फिगर में यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एक सेल के अंदर हम लोगों ने हमारा ड्रग मटेरियल, ड्रग्स विद सम एक्सिपिएंट्स, हमने क्या कर दिया है, उसके अंदर उसको लॉक कर दिया है, फिल कर दिया है और अल्टीमेटली हम लोग कैप्सूल को लॉक कर देते हैं, ठीक है। और जनरली ये जो कैप्सूल सेल्स होते हैं वो जिलेटिन के बने हुए होते हैं। भले ही आज के डेट में हमारे पास बहुत ही वैरायटी के कैप्सूल सेल्स अवेलेबल हैं, पर मेजरली आज के डेट में भी हमारे पास जो मेजर कैप्सूल सेल्स होते हैं वो जिलेटिन के ही बने हुए होते हैं। इसके अलावा जो हमारे कैप्सूल जो डोजेस फॉर्म्स होती हैं उनको एज अ कंटेनर ड्रग डिलीवरी सिस्टम के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि जो कैप्सूल शेल होता है वो एक कंटेनर की तरह काम करता है जिसके अंदर हम लोग हमारे ड्रग्स को कुछ एक्सिपिएंट्स के साथ में मिक्स करके फिल कर देते हैं और पेशेंट को उसको ओरली खिलाया जाता है, ठीक है। और जो कैप्सूल शेल है वो ही इसको एक इम्पॉर्टेंट डोजेस फॉर्म बनाता है या इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। ये जो कैप्सूल शेल होता है जो जनरली जिलेटिन का बना हुआ होता है, बेसिकली टेस्टलेस और ऑर्डरलेस होता है, जिससे कि हमको अलग से सेकेंडरी कोटिंग की यहाँ पर मटेरियल के ऊपर जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि हमको टैबलेट्स के केस में सेकेंडरी कोटिंग की जरूरत पड़ती है अगर हमको उसका टेस्ट को या ऑर्डर को मास्किंग करनी होती है। तो ये मेजर एडवांटेज हो जाती है यहाँ पर कैप्सूल की। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारी कैप्सूल डोजेस फॉर्म है उसके क्या मेजर एडवांटेजेस हैं ओवर अदर डोजेस फॉर्म्स। तो सबसे पहली बात, जो हमारी कैप्सूल जो डोजेस फॉर्म है वो एक यूनिट डोजेस फॉर्म है। यूनिट डोजेस फॉर्म मतलब एक सिंगल यूनिट है जिसको कि हमको एक ही बारी में पूरी डोज को कंज्यूम करना होता है, वहां पर कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट की हमको जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा जो हमारी कैप्सूल जो डोजेस फॉर्म्स हैं वो टेस्टलेस, ऑर्डरलेस शेल्स में फिल होकर के आती हैं जिनको कि आसानी से हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो कैप्सूल शेल होता है यही एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है एक कैप्सूल को, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो हमारी कैप्सूल्स होती हैं वो अपेयरेंस में अट्रैक्टिव होती हैं, ग्लॉसी फिनिश वाली होती हैं और कलरफुल होती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक मेजर एडवांटेज यहाँ पर कैप्सूल्स डोजेस फॉर्म के साथ में है कि इनमें हम लोग सेमी सॉलिड और लिक्विड फॉर्म्स को ही भी फिल कर सकते हैं, जो कि हमारा टैबलेट डोजेस फॉर्म्स में या पाउडर डोजेस फॉर्म में पॉसिबल हमारे लिए नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो कैप्सूल्स को, जो हमारे कैप्सूल सेल्स होते हैं उनको क्विकली और इमीडिएटली भी फिल कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। एप्टी कैप्सूल सेल्स हमारे पास होंगे और अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम लोग इनमें ड्रग की क्वांटिटीज़ को फिल कर सकते हैं, जैसा भी फिजिशियन अलाउ करेगा या प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेगा किस पर्टिकुलर पेशेंट को। इसके अलावा अदर एडवांटेज की जब हम लोग बात करते हैं, जो हमारा कैप्सूल सेल है बेसिकली जो जिलेटिन मटेरियल है वो हमारे गैस्ट्रिक पीएच में आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, जिससे कि इमीडिएट ड्रग का रिलीज होता है और एक्शन जो एब्जॉर्प्शन है वो पास हो जाता है और उस पर्टिकुलर ड्रग का जो एक्शन है वो इमीडिएट आ जाता है। इसके अलावा जो कैप्सूल सेल्स होती हैं तो कंपैरेटिवली हमको इकोनॉमिक भी पड़ती हैं। जो कैप्सूल्स होती हैं वो यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है जिसकी वजह से उनकी जो हैंडलिंग है या जो हम लोग को उसको कैरी करना है वो हमारे लिए आसान हो जाता है। इसके अलावा जो कैप्सूल्स हैं, कैप्सूल में हम लोगों को बहुत ज़्यादा वैरायटी के एक्सिपिएंट्स का यूज़ नहीं करना होता है। आपने ज़्यादातर ऑब्जर्व किया होगा कि कैप्सूल शेल के अंदर हमको हमने पाउडर ही फिल किए हुए होते हैं, पाउडर के साथ साथ कभी कभार पैलेट्स या ग्रैनुल्स भी फिल किए जाते हैं, ओके। तो ये कुछ मेजर एडवांटेजेस हैं कैप्सूल डोजेस फॉर्म की ओवर अदर डोजेस फॉर्म, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं कैप्सूल डोजेस फॉर्म के डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो जो कैप्सूल डोजेस फॉर्म है उनमें हम लोग हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल को फिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल क्या करेगा, जो कैप्सूल सेल है उसमें से ही मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे जो कैप्सूल सेल होते हैं वो ब्रिटल हो जाते हैं नेचर में और वो आसानी से टूट सकते हैं। इसके अलावा जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस हैं जिनको कि डाइल्यूशन की जरूरत पड़ती है कंज्यूम करने से पहले, तो उनको हम लोग कैप्सूल सेल्स के अंदर फिल करके नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस को हम लोगों ने कैप्सूल सेल के अंदर फिल करके दिया तो पेशेंट को उसकी वजह से इरिटेशन हो सकती है स्टमक में। इसके अलावा जो बहुत ही ज़्यादा सॉल्यूबल कंपोनेंट्स होते हैं या सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया और अमोनियम क्लोराइड हो गया, तो इनको हम लोग सुटेबली या आसानी से कैप्सूल सेल्स के अंदर फिल करके नहीं
डिस्पेंस कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी कैप्सूल जो डोजेस फॉर्म है उनमें हम लोग डीलिक्विसेंट मटेरियल्स को भी फिल नहीं कर सकते हैं। डीलिक्विसेंट मटेरियल बहुत ही ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक होते हैं नेचर में, जो कि कैप्सूल सेल से ही मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो कमजोर पड़ जाते हैं और ब्रिटल हो जाते हैं और आसानी से क्रैक हो जाते हैं या टूट जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी जो कैप्सूल्स होती हैं उनको स्पेशल स्टोरेज की कंडीशन की जरूरत पड़ती है एज कम्पेयर टू टैबलेट, क्योंकि जो कैप्सूल शेल होता है, ठीक है, तो कैप्सूल शेल ही इंटीग्रिटी मेंटेन करता है एक कैप्सूल की। तो अगर हम लोग ज़्यादा प्रेशर में उसको रखेंगे, ज़्यादा वेट उसके ऊपर रख लेंगे प्रॉपर उस तरीके से उसको स्टोर करके नहीं रखेंगे, तो जो कैप्सूल शेल है वो डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से जो अल्टीमेटली जो ड्रग हम लोगों ने फिल करी है कैप्सूल के अंदर वो खराब हो सकती है। ठीक है, दीज आर द बेसिक डिसएडवांटेजेस ऑफ द कैप्सूल डोजेस फॉर्म ओवर अदर डोजेस फॉर्म्स। नाउ मूविंग टुवर्ड द टाइप्स ऑफ कैप्सूल्स, तो हमारे पास कैप्सूल्स की कौन कौन सी टाइप्स अवेलेबल हैं। तो बेसिकली हमारे पास कैप्सूल की दो टाइप्स अवेलेबल हैं। पहला हमारा होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल या हार्ड शेल्ड कैप्सूल इनको बोला जाता है, एंड द सेकंड कैटेगरी इज सॉफ्ट शेल्ड कैप्सूल्स। ठीक है, तो जो हार्ड शेल्ड कैप्सूल्स होती हैं ये जनरली जिलेटिन मटेरियल की बनी हुई होती हैं। इन हार्ड शेल्ड कैप्सूल्स में हम लोग ड्राई पाउडर्स को, ग्रेन्यूल्स को या पैलेट्स को फिल करके रख सकते हैं। और अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसके डिजाइनिंग की बात करें, जो कि एक हमारा जो हार्ड शेल्ड जो कैप्सूल्स होता है बेसिकली ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक पार्ट को कैप और दूसरे पार्ट को बॉडी बोला जाता है। ठीक है, तो जो कैप वाला पार्ट हमारा बेसिकली होता है वो साइज में छोटा होता है और जो बॉडी वाला पार्ट है वो साइज में बड़ा होता है, और ये कैप और बॉडी एक दूसरे में लॉक हो जाती है। ठीक है, जिससे कि हमारी एक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल बनकर के तैयार होती है। अब हम लोग दूसरे टाइप की कैप्सूल सेल की बात करें तो दैट इज सॉफ्ट शेल्ड कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। ठीक है, तो जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स हैं प्राइमरीली या मेनली इनका यूज किया जाता है लिक्विड्स को या सेमी सॉलिड फॉर्म्स को फिल करने के लिए और एक यूनिट डोजेस फॉर्म में डिस्पेंस करने के लिए। इसके अलावा हम लोग जो हमारे पास सॉफ्ट शेल्ड जो कैप्सूल्स होती हैं इनमें हम लोग वोलाटाइल मटेरियल्स को भी फिल कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है टैबलेट या अदर डोजेस फॉर्म या पाउडर्ड ड्राई डोजेस फॉर्म्स में। तो ये फिगर जो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, दिस इज द सॉफ्ट शेल्ड कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो बेसिकली जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स हमारी होती हैं इनमें अलग अलग पार्ट्स नहीं होते हैं, बॉडी और कैप ये बेसिकली सीलिंग से बनती हैं, जिससे कि हम लोग कंप्लीटली एक सिंगल एक कैप्सूल हमको अवेलेबल होती है या मिल जाती है। जबकि जो हमारे हार्ड शेल्ड जो कैप्सूल्स होती हैं इनमें दो अलग अलग पार्ट होते हैं, इनको सेपरेट किया जा सकता है, जबकि जो सॉफ्ट शेल्ड कैप्सूल्स हैं इनमें हम लोग पार्ट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द कैप्सूल्स, अबाउट एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड टाइप्स ऑफ द कैप्सूल्स। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कैप्सूल्स होते हैं, जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स हैं, जो सॉफ्ट जिलेटिन जो कैप्सूल्स हमारे पास होती हैं उनकी क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे उसको बनाया जाता है, कैसे हम लोग कैप्सूल्स को फिल करते हैं, किस तरीके से कैप्सूल्स को इवैल्यूएट किया जाता है। तो उन लेक्चर्स को देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस तरीके के और फार्मेसी में एजुकेशनल वीडियोज़ को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।